जो यहां पर अभी विक्रम सर ने बताया है ये बहुत क्लियर कट है कि ऐसे लोग बहुत सारा पैसा कमाकर तुरंत भूमिगत हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। सुओ मोटो रिएक्ट करते हुए एक FIR दर्ज करनी चाहिए पुलिस को और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो सौदागर था ये दावा कर रहा है कि उसके पास और भी कई वीडियोस हैं जो अरेंज करने की बात कर रहा है। बातचीत में एक वकील साहब का भी जिक्र किया जो सर्वे में शामिल थे, उनसे वीडियो लेने की बात कर रहा है। सुनिए जरा। ये उसका मैं कल तक अरेंज करवा दूंगा, मतलब अंदर जो मन, आप मेरा मतलब समझ गए ना बात का? हाँ, वो मैं कल तक अरेंज करा दूंगा। मैंने बोला ना सुबह मुझे जाना है उधर, तो वकील साहब जो शूट कर रहे थे सुबह मिलेंगे मुझे, वो मैं कल कर दूंगा। अच्छा, मतलब मंदिर की आकृतियां वगैरह सब मिल जाएगी उसमें? वो सुबह मिल जाएगी आपको। तो सर, अगर ये वाला चाहिए तो भी ले लीजिए। तो सर, पैसा जो है वो मतलब ये उसको इंक्लूडिंग रहेगा या कैसे रहेगा? वो मैं इसी में करवा दूंगा, कोई बात नहीं। इसी में हो जाएगा सर? वो वाला मैं करवा दूंगा। वो मतलब उसमें कितनी वीडियोस, मतलब जितनी भी वीडियोस होंगी? वो लगभग 2-3 वीडियोस हैं आकृति वाली, वो उनके पास है, मुझे कल मिलेंगी, मैं सुबह आपको करवा दूंगा। हम आपको पुनः बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को दिखाने के पीछे ध्येय ये था आपको बताना कि ये कौन साजिश कर रहा है, जो केस में जो चीजें बन रही हैं उसको नुकसान कर रहा है, और ये चिंताजनक खबर है और वो सामने आ रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ बिलाल खान साहब मौजूद हैं। बिलाल खान साहब, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं आपको क्या लगता है कोर्ट में आज क्या हो सकता है? निशांत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, जिस तरीके से आपने उस बंदे को एक्सपोज किया है और कोर्ट की पूरी पूरी अवमानना है और देश के साथ भी खिलवाड़ किया है, और हमारे जो जांच करता है, जो अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उसके अगेंस्ट भी इसने काम किया है। इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। और सर विक्रम साहब जी ने बता दिया, जिस तरीके से इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से उस चीज़ को बताया, वो बहुत साफ तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हम यही कहते हैं कि कोर्ट में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो कानूनी प्रक्रिया से चलनी चाहिए। अब इसमें कौन वकील मिला हुआ है और जो कुछ लोग इस एक्सपोजिंग कर रहे हैं, मतलब कि बेचने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का साजिश भी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अभी अपने टीवी चैनल पे एक्सपोज किया और वो मांग करता है 3-2 लाख की, तो ये तो पूरा ही ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग शामिल हैं, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। और आप लोगों ने जो एक बेहतरीन काम किया और चैनलों ने जिस तरीके से इसको चलाया, बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं देख रहा हूँ वीडियो सुबह से चल रही हैं, तो उनको भी ये सोचना होगा कि आप लोग भी कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। क्या हुआ क्या नहीं, वो तो वो सारी जांच का विषय है, कितने पैसे किस चैनल ने लिए, कैसे चलाया। और वो मैं आपके चैनल को दोबारा से मुबारकबाद दूंगा, जिस तरीके से आपने एक्सपोज किया है वो सारी चीजें आप अभी जो है कोर्ट में भी आप बताइए कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। अब बाकी रही कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई अभी जिस तरीके से हमारे एडवोकेट्स भी गए हैं कोर्ट में ईडी के लिए, वो सारी चीजें अभी आएंगी सामने। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। वीडियो बेचने वाले ने कैसे TV9 भारतवर्ष से पेमेंट की मांग की वो सबूत भी आप सुनिए। कहने का मतलब जैसे होता ना एक आपका वो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता ना अपने अकाउंट से आपको ऐड करके, स्कैन किसी भी स्कैन से आप ऐप से स्कैन करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैंने कभी किया नहीं, थोड़ा सा बताएंगे क्या तरीका होता है इसका? सीधा सीधा तरीका है सर, आप उधर स्कैन कीजिए और आप भेज सकते हैं, ठीक है ना? गूगल पे या किसी भी ऐप से? नहीं नहीं, जैसे मैंने किसको स्कैन करना होगा ये पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है इतना बड़ा अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पे या किसी भी ऐप से उस जो मैंने आपको कोड भेजा वो स्कैन करेंगे, तो मैंने जिनका भेजा भाई साहब का उनका आपको अकाउंट नंबर वगैरह सब आ जाएगा, बस आप वहीं से कर दीजिए, सबसे आसान यही है। मतलब गूगल वाला, गूगल पे से? गूगल पे, पेटीएम या जो भी कोई भी ऐप है, कोई भी आप उससे हो जाएगा। इससे सर 2 लाख जितनी इतनी बड़ी पेमेंट थोड़ी जा पाएगी सर पेटीएम से? एक एक करके चली जाएगी ना, पहले आप एक कर दो। नहीं, एक भी मेरे ख्याल से 25,000 रुपए कुछ लिमिट होती है इसकी मेरे ख्याल से। मैं आपको चलो फिर अकाउंट नंबर भेज देता हूं। आप मुझे प्लीज अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेज दो, मैं तुरंत आपको करवाता हूं। लेकिन सर इसमें एक चीज ध्यान रखना, कल जो आप मंदिर वाला भेजेंगे ना, मंदिर की जो आकृतियां बनी हुई है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, मैंने बोल दिया क्योंकि आगे भी और चीजें भी आएंगी इसमें, तो वो वाली मेरी तरफ से रहेगी, उसके लिए निश्चित है। मतलब वो नहीं, वो इंक्लूडिंग रहेगा सर, है ना? मैंने आपको बोल दिया तो रहेगा तो रहेगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज सर इसको फिर आप भेजिए। 2 मिनट में भेज रहा हूँ, प्लीज सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।